स्नो देखो फिर स्नो, ऑक्सीजन का कमी है ना यहाँ पे, इसीलिए सांस फूल रहा है। फ्रेंड्स कुछ नज़ारा रहा ला वाटरफॉल का, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स हम आके पहुंच चुके हैं रोहतांग पास पे, 13,058 फीट के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को मनाली का एक न्यू डे और एक न्यू एपिसोड पे। तो फ्रेंड्स आज है मनाली का डे टू, आज हम घूमने जा रहे हैं रोहतांग पास। तो फ्रेंड्स रोहतांग पास के लिए मैं टूर पैकेज ले लिया था जो मेरे को पड़ा 700 रुपीज़, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स यह है बिल, हम दो पर्सन है, दो पर्सन को हमको पड़ा 1400 रुपीज़, 700 हम दिए थे एडवांस। आप वीडियो पे बने रहिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और फ्रेंड्स आज न्यू प्लेस भी विजिट करेंगे, जैसे आपको पता रहेगा कि मनाली में और कहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स जर्नी में बने रहिए, चलते हैं अभी। फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ जो आपको बताया था, जहाँ पे मैं पैकेज बुक किया था वहाँ पे अभी फोर व्हीलर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रोहतांग पास में आपको टू व्हीलर अलाउ नहीं है। नहीं तो हम भी सोच रहे थे कि एक गाड़ी बुक करेंगे टू व्हीलर और उसको लेके चलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो पाया। कोई नहीं फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड्स अभी, फिर बाकी वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ। कहाँ है गाड़ी? 700 आप किस में इसमें करोगे? गाड़ी कहाँ पे? यहाँ बैक साइड में बताएंगे। फ्रेंड्स ये हैं, देख सकते हैं मैं जहाँ पे पैकेज बुक किया था रोहतांग पास के लिए स्वागतम टूर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को सबसे चीप प्राइस लगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से बुक कर सकते हैं, जो आपको पर पर्सन 700 रुप लगेगा। चलते हैं फ्रेंड्स अभी गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी एप्पल वाला गाड़ी है ना, उसके साथ पूरा पीछे दोनों गाड़ी जो खोला हुआ है बकेट। हाँ जी ये वाला। इस गाड़ी आ चुका है, अभी चलते हैं गाड़ी के पास, फिर चलेंगे घूमने के लिए रोहतांग पास और आपको भी घुमाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गाड़ी अभी तैयारी चल रहा है, देख सकते हैं ट्रैवलर आज का हमारा सफर साथ देने वाला है। तो फ्रेंड्स थोड़ा इधर मेरा नज़र पड़ गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ये एरिया। इसी के पास ही आपको मनाली का स्कूल भी मिल जाएगा, देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर एक बार नज़र डालिए फ्रेंड्स, कितना मस्त व्यू है। ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फ भी दिखाई दे रहा है। बाकी फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पे, जितना प्लेस मैं घूमूंगा आपको भी घुमाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं फिर चलेंगे।
फ्रेंड्स, हमारा गाड़ी अभी यहाँ पे रुका है। ये देख सकते हैं, ये है गुलाब ऑफ व्यू पॉइंट्स, कैसे दिखाई दे रहा है। देखते हो फ्रेंड्स, चारों तरफ का नज़ारा। ये फ्रेंड्स गुलाब ऑफ व्यू पॉइंट्स, आप फिर इस नज़ारा को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अभी यहाँ से हमारा गाड़ी निकल पड़ेगा दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ। जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। फ्रेंड्स गुलाब पॉइंट से थोड़ी से आगे आते ही यहाँ पे राहला फॉल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे 10 मिनट के लिए ब्रेक है राहला फॉल को देखने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स कुछ नज़ारा राहला वाटरफॉल का देख सकते हैं आप लोग। ये है फ्रेंड्स राहला वाटरफॉल। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ा है, देख सकते हैं पैर बहुत स्लिप कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सावधानी भी, अगर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी। कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है फ्रेंड्स राहला वाटरफॉल से। चारों तरफ फ्रेंड्स बर्फ ही बर्फ, पैर भी स्लिप कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ वाटरफॉल का नज़ारा। अभी चल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, आप सभी को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए आप और ऐसे ही मज़े लेते रहिए। निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मौत दिल छोड़ आया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्केटिंग पॉइंट है, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स हमारा गाड़ी यहाँ पे रुक गया था, सोचे कि वीडियो बनाने के लिए आ जाए इधर, क्योंकि ये जो लोकेशन था बहुत बढ़िया लोकेशन था, तो रह नहीं पाए। चलते फिर जल्दी जल्दी, नहीं तो हमारा गाड़ी चला जाएगा, फिर यहाँ से चल चल के जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आगे ही इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा देखिए कितना मस्त, फ्रेंड्स रोहतांग पास के पास जाने से पहले देख सकते हैं ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे आप खाना पीना करके चले जाना, क्योंकि ऊपर जाते ही आपको कोई भी खाने पीने के लिए इतना सब कुछ चीज़ मिलेगा नहीं, हो सकता है बिल्कुल ही ना मिले। फ्रेंड्स रोहतांग पास यहाँ से और 17 किलोमीटर रह गया है। ये जो जगह है फ्रेंड्स ये मराही है, यहाँ पर आप खाना पीना करके रोहतांग पास के लिए जा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ढाबा रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाना खाने के लिए। देख सकते हैं आप ये नज़ारा का आनंद उठाते हुए आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं और यहाँ से रोहतांग पास के लिए निकल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं
मराही में हम अभी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। रोहतांग पास यहाँ से 17 किलोमीटर है और हम नीचे जाएंगे रोहतांग पास से, तो यहाँ से मनाली पड़ेगा आपको 34 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अभी हम जाएंगे रोहतांग पास में, अभी बैठते हैं बस में और फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं रोहतांग पास में पहुंच कर। स्वागत है आप सभी को रोहतांग पास में। फाइनली फ्रेंड्स हम रोहतांग पास में आके पहुंच चुके हैं, देख सकते हो नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हैप्पी क्या बोलने जाओगे तुम बर्फ को देख के? मौज हो गया, मौज मौज हो गया, देखो मौज हो गया, मौज। चलो सर फोटो। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हर टाइप का एक्टिविटीज करने के लिए आपको मिल जाएगा रोहतांग पास में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है कुछ नजारा रोहतांग पास का, चारों तरफ फ्रेंड्स बर्फ ही बर्फ है, देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है बीआरओ के तरफ से, यहाँ पे एक मैसेज है देख सकते हैं। बहुत ठंडा है यहाँ पे, मजा आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे आकर। चलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये है पॉइंट। फाइनली फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे पैर डालूंगा कहाँ तक घुस रहा है, देख रहे हो, देखो। तो फ्रेंड्स रोहतांग पास का कुछ ऐसा नजारा अभी देखने के लिए मिलेगा जीरो पॉइंट पर। अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं रोहतांग पास आने के लिए तो फ्रेंड्स आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपका दिल पूरा खुश हो जाएगा, एक एक पैसा वसूल हो जाएगा यहाँ पे इस नजारा को देखकर। सोने भाई पूरा जीरो है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर -5 है। फ्रेंड्स थोड़ा और हाईएस्ट पॉइंट में देखते हैं वहां पे और कैसे क्या नजारा देखने के लिए मिलेगा, वो ही ऊपर जाएंगे। ओ भाई यहां पे आके तो मौज ही आ गया। स्नो देखो फ्रेंड्स, स्नो
पत्थर रे ऊपर देख के स्नो देखो घुस जाओगे पूरा अंदर तक सस फूल रहा है हम मफलर भी पीछे जाता रहता है बार बार चलते हैं ना हाँ 13,058 फीट के ऊपर है फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर आइए दिखाते हैं आपको सांस फूलने लगा है खत्म ही कर चलो भाई चलो बेल फिसल रहा है पहुंच गए भाई थोड़ा एक्सप्रेशन बता दो कहानी खत्म है और कुछ नहीं बता सकता मुश्किल से भाई पहुंच गए ऊपर आके फाइनली थोड़ा सा ही और ऊपर है वहां पे पहुंच के आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं माउंटेन के ऊपर से ऑक्सीजन का कमी है ना यहाँ पे इसीलिए सांस फूल रहा है ओ भाई चढ़ना तो है भाई ऊपर ऊपर जाना ही है चलते देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा नज़ारा ही देखिए आप लोग ऊपर से हम वहाँ नीचे थे देख सकते हैं गाड़ी दिखाई दे रहा है अब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं देखिए नज़ारा एक बार ये देखिए फ्रेंड्स व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ऊपर से वो नीचे देखिए मैं अगर जूम करूँ यहाँ पे गाड़ी है हम यहाँ से रास्ते पे होते होते यहाँ तक आए हैं देखिए यहाँ तक आए तो फ्रेंड्स अगर आप रोहतांग पास आने के लिए प्लान कर रहे हैं या आना चाहते हैं और मल्लानी पे रुके पड़े हैं तो फ्रेंड्स आओ एक बार मज़ा आ जाएगा आपको बर्फ में जो मज़ा यहाँ पे मिलेगा ना आपको मनाली में भी नहीं मिलेगा देख सकते हैं बाकी हाँ थोड़ा फ्रेंड्स गाड़ी वाला को ध्यान देना एक बार क्योंकि बहुत पैसा ठगते हैं वो सही से रेट करना और आना नहीं तो फंस जाएंगे फालतू में खर्चा हो जाएगा कोई फायदा नहीं फिर तो फ्रेंड्स ये था हमारा मनाली टू रोहतांग पास तक सफ़र टोटल 34 किलोमीटर है मनाली से रोहतांग पास तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं ये था मनाली में हमारा दूसरा दिन
कल फिर से एक ब्लॉग आपके लिए आएगा। बोल ही नहीं पाता हूँ, फिर सांस फूल रहा है इतने तेज। तो फ्रेंड्स और एक ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि हम 3 दिन स्टे करने वाले हैं मनाली पे। दूसरा दिन ये हो चुका है, लास्ट डे के 13 तारीख, उसके बाद हम निकल चलेंगे दिल्ली के तरफ और हमारा छुट्टी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आप इस ब्लॉग को देखकर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि आप सभी के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आपका प्यार और सपोर्ट बने रखिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू लोकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।